जब मैंने वर्कशॉप अटेंड करा था, मुझे 1% भी मन में ये डाउट नहीं था कि यहाँ पे कुछ फ्रॉड हो सकता है, या हो सकता है यहाँ पे कोई चीज सेलिंग हो रही हो, या कोई कुछ और हमें पैसे मांगेंगे या कुछ भी। सब लोगों की जी एक्साइटमेंट है कि उनको जल्दी से जल्दी जीएससी का हिस्सा बनना है। सर मुझे बताइए, जी ज्वाइन होना चाहते हैं, जी जुड़ना चाहते हैं। सो जी मैं जैसे यू आर द पार्ट ऑफ फैमिली, आप जीएससी फैमिली का हिस्सा है, तो ये जितने भी लोग, जितनी भी माएँ आज आपको सुन रही है, उन सारे लोगों के, क्योंकि कि हमेशा एक डर रहता है कि अभी ऑनलाइन है, फिर यहाँ से हमको ये अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, फ्रॉड है क्या, ये है क्या, वो है क्या, हमें कितने मतलब और इतने कुछ पैसे देने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, ये गलत है क्या, मतलब कन्फ्यूजन्स रहते हैं। तो इन सारी माओं को आप क्या गाइड करना चाहेंगी कि सच में जीएससी क्या है, और जीएससी क्या उनको उनकी प्रेगनेंसी की जर्नी को बेहतर बनाने के लिए, या जो माएँ अभी प्रेग्नेंट है नहीं है उनको हेल्प करने में क्या सच में मदद करती है या नहीं करती, उसके बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिए। जी बिल्कुल सर। तो मेरा आप सभी लोग जो आज ज्वाइन कर रहा है, जिन्होंने वर्कशॉप, आप सब लोगों को मैं सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगी। जब मैंने वर्कशॉप अटेंड करा था, मुझे 1% भी मन में ये डाउट नहीं था कि यहाँ पे कुछ फ्रॉड हो सकता है, या हो सकता है यहाँ पे कोई चीज सेलिंग हो रही हो, या कोई कुछ और हमें पैसे मांगेंगे या कुछ भी। ये मेरे मन में 1% भी डाउट नहीं था, क्योंकि मैंने इसको एज अ साइन लिया था। तो मैंने उसको उतनी ही पॉजिटिव तरीके से इस कोर्स में, जस्ट आफ्टर द वर्कशॉप मैंने एनरोल किया था, कि मुझे मुझे वो बेनिफिट्स देखने थे कि मुझे जब मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी, मेरा कंसेप्शन हो जाएगा, तो मुझे क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। और मैंने इसलिए एनरोल किया। बट आप लोगों को मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगी, जब आप एनरोल करोगे इस कोर्स में, बहुत से लोग हैं, जैसे मुझे बहुत सारी चीजें पहले से पता थी, मैं पढ़ती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हूँ। बहुत सी माएँ ऐसी हैं जो बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में जिनको चीजें जाननी होंगी, जिसके लिए यहाँ पे जीएससी की पूरी टीम है, पूरा पैनल है, डॉक्टर्स हैं यहाँ पे। और जैसे हमारा कोई भी एक, मतलब हमें लगेगा कि ये बहुत सिली सा क्वेश्चन है, हम कैसे पूछे, पर आपको वो इमीजिएट 24 आवर्स जीएससी के जो डॉक्टर हैं वो वहां पर हैं आपको आंसर करने के लिए, आपकी वो सिली क्वेरी को भी आंसर करने के लिए। और ये खाली सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर के लिए नहीं है, आप जो वो पूरा कोर्स है, हर दिन की जो एक एक्टिविटी है आपकी पूरी प्रेगनेंसी में, वो इतना बड़ा बदलाव देने वाली है आपके बच्चों में। आपके गर्भ के अंदर अंदर पल रहे जो बच्चा है, आप उसमें मूवमेंट्स और आप उसकी एक्टिविटी जब आप महसूस करोगे एज अर्ली एज 3 मंथ्स, आप खुद सरप्राइज हो जाओगे। शायद डॉक्टर्स भी इसके लिए सरप्राइज होंगे कि 3 महीने में कैसे हो सकता है, 4 महीने में कैसे हो सकता है, पर आप वो फील करोगे क्योंकि आप वो एक्टिविटीज डे वन से करते आ रहे हो। कुछ लोग हैं जो 5th मंथ, 6 मंथ, सेकेंड ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर में भी ज्वाइन कर रहे होंगे, जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट होंगे। बट मैं ये कहूंगी कि अगर आप अपने बच्चे को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी उसके बर्थ से पहले देना चाहते हो, तो प्लीज इस कोर्स में जरूर एनरोल करना। आपको डे टू डे इतना इतना कुछ आप जानने वाले हो अपने बच्चे के लिए, और उसको इतना अच्छा उसकी ब्रेन डेवलपमेंट, उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट आप दे सकते हो। वो आप फील करोगे जब ये कोर्स आप स्टार्ट करोगे, डे वन से जब एक्टिविटीज स्टार्ट करोगे, आप वो खुद चेंजेस अपने अंदर महसूस करोगे, जो कि मैंने ऑलरेडी महसूस किए हैं, और मैं बस वेट कर रही हूँ कि बाकी के 3 महीने कंप्लीट हो जाए। तो डॉक्टर विष्णु, थैंक यू सो मच। ये मेरा थैंक यू। मतलब फीडबैक था जो मैं रियली कभी सोचती थी कि मैं आपसे कैसे मैं शेयर कर पाऊंगी, शायद मैं वीडियोस के थ्रू ही कर पाऊँ, बट थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये चांस दिया आपसे बात करने का। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।